अरे दोस्तों, स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ इस्कॉन टेंपल, जो कि दिल्ली में पड़ता है। और फिलहाल अभी रात के 8:30 बज चुके हैं, मैं अभी नेहरू प्लेस के यहाँ पे हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इस्कॉन टेंपल। आप देख सकते हैं, ये आपको रास्ते में खाटू श्याम, श्री खाटू श्याम का मंदिर मिलेगा। आप थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे मेन मंदिर मिल जाएगा। ये रहा इस्कॉन टेंपल का मेन मंदिर। यहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं और जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। तो आप आइएगा ज़रूर यहाँ पे। और मंदिर के जस्ट बाहर ही आपको फूल मालाएँ मिल जाएंगी, प्रसाद मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये मेन गेट है, तो ये एंट्री के लिए बना हुआ है लेडीज़ और जेंट्स के लिए। तो जैसे एंट्री लेंगे आप, तो लेफ़्ट साइड में आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं प्योर वेजिटेरियन है। और फिर थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ से बुक्स वगैरह भी खरीद सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक वगैरह स्टॉल वगैरह लगाए हुए हैं लोग, तो यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये मंदिर है, यहाँ से हम लोग मेन मंदिर की तरफ जाते हैं। और ये जो आप पूरा प्लेस देख रहे हैं खाली सा, यहाँ पर प्रसाद मिलता है। तो देख सकते हैं गाइज, ये जो आपको मंदिर से टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे प्रसाद शाम को मिलता है। अगर आपको प्रसाद चाहिए तो आप जल्दी आइएगा। और जो शाम की आरती है वो 7 बजे शुरू हो जाती है। तो अभी हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसे ही आप सीढ़ियों से आगे की तरफ जाएंगे, तो आपको राइट साइड में ऑडिटोरियम मिलेगा, जो कि अभी दिखाऊँगा मैं। ये आप राइट साइड में आप देखेंगे तो ये ऑडिटोरियम है। तो आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको मार्केट सा मिलेगा, जो भगवान श्री कृष्ण जी का मार्केट है। यहाँ पे बहुत ये देख सकते हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं बहुत कॉस्टली हैं, अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं और बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं। तो आप यहाँ से ख़रीदारी भी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि कुछ लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मार्केट है। फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो हमको ये एक फाउंटेन मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पानी चलता रहता है रात के समय पे, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनी हुई है यहाँ पर। तो लोग कितने अच्छे से देखते हैं शाम को यहाँ पर, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे, लाखों आदमी आते हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा शाम को लगता है। तो अभी देख सकते हैं ये शाम के टाइम का नज़ारा है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। तो जैसे हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमको ये कुछ गारमेंट्स वगैरह की दुकानें हुई लगी हुई हैं साइड में, बुक्स शॉप है, आप यहाँ से बुक खरीद सकते हैं कुछ भी। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ गोविंदास जलपान है, जहाँ पे आप अगर आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी स्टॉल लगी हुई मार्केट सा है, ये गोविंदा जलपान है। यहाँ पे लोग खा रहे हैं, कुछ भूख लगी है उनको, तो आप भी खा सकते हैं आकर के यहाँ पे। अगर आपको भूख लगी है तो आप खा सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं तो हम ये मेन मंदिर पहुँचेंगे। जैसे ही मेन मंदिर के हम बाहर पहुँचेंगे तो हमको गरुण जी की मूर्ति मिलेगी, जहाँ हम अपना परिक्रमा चालू करते हैं।
अभी वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। देख सकते हैं गाइस, यहाँ से चालू हो जाता है हमारा प्रारंभ, स्टार्ट होता है यहाँ से। हम चारों इसके परिक्रमा लगाते हैं, गरुड़ जी की मूर्ति बनी हुई है। और इस्कॉन टेंपल को दूसरा नाम भी है, इस्कॉन टेंपल का जो नाम दूसरा है वो राधा रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मेन मंदिर रहा, तो हम लोग अभी अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर का नज़ारा पूरा दिखाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे कितना अच्छा अंदर का सीन है, और लोग पूरी तरीके से भक्तिमय हो चुके हैं। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे यहाँ पे और भक्तिमय होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस काफ़ी सारी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे भगवान श्री राम का भी मंदिर है और श्री राधा रानी कृष्ण भगवान जी का भी मंदिर है। तो दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे और इस मंदिर में आकर के आपको सुकून शांति प्राप्ति होगी। तो आप देख सकते हैं गाइस वीडियो में कि कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, हर शाम इससे भी ज़्यादा लोग आते हैं। आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। तो गाइस दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो लोग आते हैं चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब भक्ति में हो जाते हैं, श्री कृष्ण जी की भक्ति में सब लीन हो जाते हैं। और अगर आपको आना है, अगर आप दिल्ली वासी हैं तो आप कालका जी मेट्रो आइएगा, और कालका जी मेट्रो से जस्ट थोड़ा सा 200 मीटर की दूरी पर इस्कॉन टेंपल है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके नज़दीक ही लोटस टेंपल भाई उपासना मंदिर भी है जो कि 200 मीटर की दूरी पर ये भी मंदिर है, तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, कालका जी मंदिर भी जा सकते हैं। सब पास पास में है, अगर आप एक जगह आएंगे तो तीनों जगह घूम लेंगे, यानी तीनों जो हैं वो पास पास में ही हैं। तो गाइस इस्कॉन मंदिर खुलने का समय और बंद होने का समय भी मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह के 4:30 बजे से मंदिर खुल जाता है और दोपहर के 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। फिर 3 बजे से मंदिर खुल जाता है और रात के 9 बजे तक खुला रहता है। जो आरती है वो शाम को 7 बजे चालू हो जाती है और शयन आरती 8:30 बजे चालू होती है। तो आप शाम को अगर शाम की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा जल्दी आइएगा, और फिर इसके बाद आप देखिएगा आपको कितना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर के। जब आप एक बार आएंगे तो यहाँ पे आपको दोबारा आने का ज़रूर मन होगा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे जब पहली बार दिल्ली आया तो मैं इस्कॉन टेंपल आया, फिर अब मैं जब भी दिल्ली आता हूँ तो इस्कॉन टेंपल ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ करके मेरे को बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, क्योंकि भगवान के दर पर आकर के सबको अच्छा लगता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लोगों का जो प्यार है वो किस तरह आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो आप समझ सकते हैं। सब भक्ति में लीन हो चुके हैं पूरी तरीके से। दिल्ली में स्थित नेहरू प्लेस के पास इस्कॉन मंदिर परिसर में 3 मंदिर देखने को मिलते हैं दोस्तों। यह तीनों मंदिर हैं जो अलग अलग देवी देवताओं के रूपों को समर्पित है। एक मंदिर है जो राधा कृष्ण और दूसरा मंदिर जो है राम सीता, और तीसरा जो मंदिर है गुहारा निताई को समर्पित है। दोस्तों इस मंदिर के आंतरिक एवं बाहरी संरचना
में की गई है। नक्काशी काफ़ी आकर्षक तरीके से की गई है। इस मंदिर के पास एक संग्रहालय जैसा बनाया गया है, जहां पर श्री कृष्ण, राधा एवं रामायण महाभारत से जुड़ी कई अलग अलग प्रस्तुति देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंदिर की सजावट के अलावा भी कई आकर्षक चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि वैदिक संस्कृति संग्रहालय, वैदिक कला भवन, रामायण आर्ट गैलरी, रोबोट शो आरती। इस मंदिर परिसर में इन सब की उपस्थिति के कारण ही यहाँ पर श्रद्धालु के अलावा पर्यटक भी घूमने एवं देखने आया करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी का मंदिर है। जस्ट इसके राइट साइड आप देखेंगे तो भगवान श्री राम सीता जी का मंदिर है। तो दोस्तों, इस मंदिर का जो निर्माण है सन 1998 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से भक्तिमय हो गए हैं। दोस्तों, अपने परम कल्याण के लिए सदा जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, और सदा प्रसन्न रहिए। तो दोस्तों, ये मंदिर के पीछे का दृश्य है, जहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं। और आप इसके पीछे जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर ही पेंटिंग दिखाई देगी। जो पेंटिंग है वो भगवान श्री कृष्ण जी, राधा रानी जी की पेंटिंग है, जो आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग है यहाँ पे। तो जब आप मंदिर आए तो मंदिर के पीछे वाला दृश्य है वो ज़रूर देख के जाएं, और अपना परिक्रमा ज़रूर करके जाएं यहाँ पे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवद गीता यहीं रखी हुई है, यानी कि इस्कॉन टेंपल में। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा करें, यानी कि शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, और अपने फैमिली के साथ एक बार इस्कॉन टेंपल ज़रूर आएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।